मैं मोहम्मद शामिर है और इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, हम उन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो पहला फार्मूला ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर में सिर्फ एक वेरिएबल है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है और उसकी भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, तो हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्स इसके ऊपर एक वेरिएबल है, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख देते हैं, अनलेस और अनटिल इसमें कोई वेरिएबल ना हो। सही है। दूसरा फार्मूला, क्योंकि मैंने अपने सवाल के उससे निस्बत से लिखा है, वैसे तो ये इंटीग्रेशन से इस फार्मूले का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसके दो पार्ट हैं, ये हमारे सवाल में काम आएगा जो मैं अभी आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो अगर हमारे पास दो टर्म हैं, मतलब दो हमारे पास ऐसी टर्म्स हैं जो सेम है, मतलब बेस दोनों की सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो हम उनको इस तरह ले सकते हैं कि दोनों पावर्स को हम माइनस में लिख दें, मतलब पहले टर्म लिखी और उसके साथ उसकी पावर है, पहली पावर लिखी फिर बीच में माइनस फिर दूसरी पावर। सही है। इसी तरह अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, यहाँ पे दो सेम बेस वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स हम ऐड करा सकते हैं। सही है। तो ये दो फार्मूला होगा। अब जो तीसरा फार्मूला है वो इंटीग्रेशन की निस्बत से है। तो ये तीसरा फार्मूला है, इसमें अगर हमारे पास ई हो और उसकी पावर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ऊपर जो हमारी पावर है उसमें, पहले तो हमने यहाँ एक्स वाला फार्मूला देख चुके हैं कि जब ई के साथ उसकी पावर में कोई भी वेरिएबल होता है तो हम उसको बिल्कुल सेम, जब उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको बिल्कुल सेम उसी तरह लिख देते हैं। मगर अगर हमारे पास ई के साथ पावर में एक कांस्टेंट भी है, हमने के को एज अ कांस्टेंट लिया है और एक्स हमारे पास वैसी वेरिएबल है जैसे ऊपर था, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम पहले तो इस पूरी टर्म को इंटीग्रेशन के बाद सेम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन जो इसका कांस्टेंट होगा उसको हम डिवाइड में भी करके लिखेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि हम जो उसका कांस्टेंट होगा उसको पावर में जो कांस्टेंट होगा उसको नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। सही है। पहले फिर अब हम एक सवाल करते हैं और देखते हैं कि इन फॉर्मूलों को किस तरह यूज़ करा जाता है। सही है। तो मैं एक सवाल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एक ऐसा सवाल लिख लेते हैं जिसमें ये सारे फार्मूले इस्तेमाल हो जाएं। तो मैं ऐसा एक्सपोनेंशियल सवाल लिखता हूँ। सही है। e की पावर 5x। सही है। उसके बाद एक ब्रैकेट बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं दो टर्म्स लिखूंगा, e की पावर 2x अपॉन 7 डिनोमिनेटर में प्लस 3 अपॉन e की पावर 3x। तो ये आपको सवाल थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि e की पावर 5x और e की पावर 2x। सही है। और बीच में ये हो रहा है मल्टीप्लाई। सही है। और अपॉन 7 है, ये 7 है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया है। अब उसी तरह हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 e की पावर 5x अपॉन e की पावर 3x। तो आप समझ गए होंगे कि ये यहाँ पे क्या हुआ है। सही है। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ये वाला, इसमें क्या हो रहा था कि जब भी हमने देखा था कि जब भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, मतलब उनकी बेस सेम थी, तो हमने जो उनकी पावर थी वो ऐड करा देनी थी। तो वो किस तरह से हो रहा था, उसके लिए ई 5x प्लस 2x अपॉन 7 हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने जो दूसरा फार्मूला था जो माइनस वाला था, जब डिवाइड में हो तो देख रहे हैं आप ये दो टर्में ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं, तो ये सेम है, तो हम इनको भी इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 e 5x माइनस 3x। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों हुआ है और नीचे वाली टर्म कहाँ गई, तो ये ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे हमने आपको RM वाला फार्मूला मैंने दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं कि जब भी दो जब बेस
सेम हो और डिवाइड में हो तो हम उन दोनों की पावर्स को माइनस कर सकते हैं, सही है। और जब जैसे यहाँ पे अब हमने क्या करा है, यहाँ पे भी वही हुआ है कि जब हमारे पास दो बेस सेम हो लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये काम करा है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी साइन था, सही है। अब इसको हम थोड़े से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। तो ये 5x प्लस 2x तो 7x हो गया जब इन दोनों का ऐड करा अपॉन 7, और जब इस वाली टर्मों को माइनस करा, इस टर्म की पावर को माइनस करा तो ये बन गया e 2x, सही है। तो अभी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रल लगाना मत भूलिएगा क्योंकि तो अभी हमने इसको इंटीग्रेट करा नहीं है, सही है। या फिर dx dx, सही है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इस स्टेप में। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हम अब ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, सही है। इसमें ये पहला वाला फार्मूला भी यूज़ हो रहा है और ये थर्ड वाला भी यूज़ हो रहा है, सही है। अब देखें इसकी ई जो है ई की पावर में है 7x, सही है। तो एक कांस्टेंट भी है और एक वेरिएबल भी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब एक कांस्टेंट भी हो और एक वेरिएबल भी हो तो हम उस चीज़ को नीचे, उसके जो कांस्टेंट होता है उसको नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं और पूरी टर्म को एज इट इज लिखते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेटिंग जब करेंगे e 7x तो ऐसे ही आ गया, लेकिन अपॉन में भी हमने 7 आ जाएगा। कौन सा वाला 7? ये वाला 7 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सही है। और अब इस वाली टर्म के लिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसके भी पावर में एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो हम इसको भी बिल्कुल इसी तरह 3e 2x तो बिल्कुल सेम एज इट इज आ जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन नीचे आ जाएगा एक 2। तो ये हो गया है हमारा इंटीग्रेट फंक्शन, हमारा इंटीग्रेट हो चुका है। तो अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो e 7x अपॉन 49, 7 7 49 प्लस 3 अपॉन 2 e 2x प्लस सी। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट करा और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है, सही है। आपको एक बार फिर से ये सवाल समझा देता हूँ। ये हमारे पास सवाल था, सबसे पहले स्टेप में हमने इस e5x को हमने इन दोनों ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये कुछ इस तरह से बन गया, सही है। तो उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये वाला, सही है। जब अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब दोनों बेस सेम थी तो पावर्स हमने ऐड करा दी, सही है। ये दोनों बेस सेम थी तो इनकी हमने पावर्स ऐड करा दी और नीचे 7 एज इट इज आ गया। और यहाँ पे हमने देखा कि दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो जब डिवाइड में होती है तो हम पावर्स को माइनस करा देते हैं, तो हमने यहाँ पे माइनस करा के लिख दिया, सही है। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाइड करके लिख दिया कि इस तरह के 5x प्लस 2x को हमने 7x कर दिया और 5x माइनस 3x को हमने 2x कर दिया जब माइनस करा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेट करा तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि जब भी ई के साथ उसकी पावर में कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट होता है तो हम वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या हो गया, जब तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो टर्म को एज इट इज लिख देते हैं लेकिन जो उसका कांस्टेंट होता है उसको नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब डिवाइड करवा देते हैं, नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक 7 था और ये वाले 7 को हमने जो कांस्टेंट 7 था इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। और इसी तरह बिल्कुल हमने यहाँ पे भी करा, ये 2 था इसको हमने नीचे मल्टीप्लाई करा दिया और फिर हमने इसको एंड में सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो आई होप आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे किस तरह किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करा जा सकता है। तो शुक्रिया, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप लोग को कोई अभी भी परेशानी है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।